हाय फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एल्यू फैक्टराइजेशन। तो एल्यू फैक्टराइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एल्यू फैक्टराइजेशन बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को हम ब्रेक करते हैं। ओके, तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ रो इंटरचेंज नहीं करना है। तो हम एल्यू फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करेंगे इस मैट्रिक्स पर जो ए दिया हुआ है 1 2 3 8, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 को 0 बनाएंगे, तो ये आया 1 0 2 2। अब ये हमें मिल चुका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और इस पे जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो है E1। अब E1 का मतलब क्या है कि अगर यही ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर परफॉर्म किया होता तो उससे हमें जो मैट्रिक्स मिलता, लेट सपोज इट इज़ E1, तो E1 इंटू ए विल गिव अस दिस मैट्रिक्स U, तो E1 इंटू ए विल गिव अस U। ऐसे ही अगर हम आगे E2 E3 करते हैं तो E3 इंटू E2 इंटू E1 इंटू ए विल गिव अस U। तो इससे हमें क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू E1 इनवर्स इंटू E2 इनवर्स इंटू E3 इनवर्स इंटू U। अब ए इक्वल टू LU है, ओके, फैक्टराइजेशन में ए इक्वल टू LU, तो E1 इनवर्स E2 इनवर्स E3 इनवर्स क्या हो गया, L। अब E1 इनवर्स फाइंड करने का सिंपल तरीका, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे परफॉर्म किया गया है, तो जो E1 के लिए था वो E1 इनवर्स के लिए जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन होगा ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन। ओके, इधर R2 प्लस माइनस 3R1 था, राइट। R2 गोज़ टू R2 माइनस 3R1, इधर होगा R2 गोज़ टू R2 प्लस 3R1। अब हम जब ये ऑपरेशन I2 पे परफॉर्म करते हैं तो ये हमें मिलता है L। ओके, और ये है एक्चुअली E1 इनवर्स, और ऐसे E1 इनवर्स इंटू E2 इनवर्स इंटू E3 इनवर्स एंड सो ऑन, जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो मल्टीप्लाई करने में L मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन है, तो एक ऑपरेशन E1 इनवर्स ही है, तो वो आएगा L। और LU को हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ये आता है 1 2 3 8। ओके, और बस आज की वीडियो के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो, और हाँ बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आशुतोष अस्वानी, सॉरी लर्निंग विद आशुतोष, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।